नमस्कार दोस्तों, मिस्टर होममेड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको स्टूडियो में लगने वाली सेंसर लाइट के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, ये वीडियो आप बिल्कुल पूरा एंड तक देखें। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको सेंसर लाइट स्टूडियो में लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास जो है स्विस लाइट कंपनी की ये लाइट है, सेंसर लाइट। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको लाइट का साइज बता देता हूँ। लाइट का कट होल 72 mm है और चौड़ाई और लंबाई 85 mm। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये सेंसर वाली फुट लाइट 3 वाट की है। और फ्रेंड्स, लाइट का कलर 3000K है। और फ्रेंड्स, इस लाइट की 1 साल की गारंटी है। नीचे पीछे डेट डाली हुई है शॉपकीपर ने। और दोस्तों, अब मैं आपको सेंसर लाइट को ऑन करके दिखाऊंगा और सेंसर की दूरी को नापकर दिखाऊंगा कि कितनी दूर से फुट लाइट का सेंसर काम करने लग जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, सेंसर लाइट हमारी ऑन हो गई है। अब हम सेंसर लाइट से थोड़ा दूर चले जाएंगे और जब सेंसर लाइट ऑफ हो जाएगी तो पास आएंगे। जब हम कितनी दूरी से ये सेंसर लाइट ऑन होगी उस दूरी को हम आपको नापकर बताएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हमने इंची टेप से ये दूरी नापी है और 5 फुट के करीब से ये सेंसर लाइट ऑन हो जाती है, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, इस लाइट को इंस्टॉल करने के लिए हमने 2 मॉड्यूल का बॉक्स लगाया है और 2 मॉड्यूल के बॉक्स का साइज 3x3 का बोलते हैं, 3x3 इंच का साइज होता है 2 मॉड्यूल बॉक्स का। तो आपने भी 3x3 का बक्सा ही सेंसर लाइट के लिए लगाना है दीवार में। और फ्रेंड्स, सेंसर लाइट के कनेक्शन बहुत सिंपल हैं। नेगेटिव पॉजिटिव को आपने अटैच करना है, जैसे कि वीडियो में दिख रहा है। ब्लैक वायर नेगेटिव है और लाइट की ब्लू वायर नेगेटिव है। और जो हमने वायरिंग की हुई है उसमें पॉजिटिव यो येलो वायर है और लाइट की रेड वायर है पॉजिटिव। तो आपने तारों को कनेक्ट कर देना है जैसे वीडियो में दिख रहा है। और फ्रेंड्स, आपको मैं जरूरी बात बता देता हूँ कि अल्टरनेटिव करंट में आप नेगेटिव पॉजिटिव को अगर चेंज करके भी लगा देते हैं लाइट को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, वायर को टेप आपने अच्छे से करना है जैसे कि वीडियो में दिख रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको लाइट हल्की हल्की ऑन दिख रही है, हल्की हल्की जगमगा रही है। तो फ्रेंड्स, आपने सभी लाइट्स को लगाकर ही लाइट को ऑन करना है। लेकिन मेरी वायरिंग कंप्लीट नहीं है और पॉजिटिव पीछे से आ रही है, स्विच ऑन है और आगे से नेगेटिव कनेक्ट नहीं है। तो कहीं पर वायर नेगेटिव वाली छिली हुई है और आयरन बक्से के साथ लग रही है, जिसकी वजह से लाइट जगमगा रही है। तो इसीलिए आपने लाइट को ऑफ करके ही लाइट के कनेक्शन करने हैं। और फ्रेंड्स, लाइट्स लगाने से पहले आपने बॉक्स में से सारा सीमेंट निकाल लेना है। अगर बॉक्स में सीमेंट लगा होगा तो आपकी लाइट अच्छी तरह फिट नहीं होगी बॉक्स में। और देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारी सेंसर लाइट लग गई है। अब हम आपको सेंसर लाइट को ऑन करके दिखाएंगे। और फ्रेंड्स, आपने सेंसर लाइट को ऑन कर देना है। जब तक सेंसर लाइट खुद नहीं बंद होती तो इसे बंद नहीं करना है आपने, क्योंकि पहली बार इसका सेंसर एक्टिवेट होने के लिए ये प्रोसेस जरूरी है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जब सेंसर लाइट ऑफ हो जाएंगी, आपको दिख रहा है वीडियो में कि एक शख्स आ रहा है पौड़ियों से नीचे और लाइट चल रही है, जैसे जैसे स्टेप बाई स्टेप वो नीचे उतर रहा है और सारी लाइटें ऑन होगी आपके सामने। और देखिए फ्रेंड्स, लाइट बंद होने की टाइमिंग बहुत गलत है। कोई लाइट 30 सेकेंड चल रही है, कोई 40 सेकेंड चल रही है, कोई 1 मिनट चल रही है।
और फ्रेंड्स इसी वजह से मैं आपको यह वीडियो प्रॉपर दिखाना चाहता था कि आपने लाइट किसी बढ़िया कंपनी की लेनी है, सेंसर लाइट जैसे फिलिप्स हो गया, ओसराम हो गया, जो ब्रांडेड कंपनी है उन कंपनी की लाइट्स लेनी है, क्योंकि ये लोकल कंपनी वाले जो क्वालिटी तो डाउन बनाते हैं, उस लेवल की क्वालिटी नहीं बना सकते, ये फिलिप्स ओसराम वगैरह जैसी ये क्वालिटी नहीं बना सकते, लेकिन प्राइस हमसे ये कंपनियों के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। और इस सेंसर फुटलाइट का प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, 800 रुपया है, लेकिन फ्रेंड्स से इतने पैसे खर्चने पर भी हमें पूरी एक्यूरेसी नहीं मिल रही लाइट्स में और सेंसर में भी। और देखिए आप जब ये वीडियो में आपको लड़का दिख रहा है सीढ़ियों के ऊपर जा रहा है, तो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने से पहले ही इनका सेंसर ऑन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और सेंसर में बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए कि 2 फुट से काम करेगा, 3 फुट से काम करेगा, चाहे 5 फुट से काम करेगा, सेम साइज से काम करना चाहिए सेंसर लाइट का, और सेम टाइम पर ही सारी लाइट्स बंद होनी चाहिए। यह एक्यूरेसी इस लाइट्स में नहीं है, स्विस कंपनी की लाइट्स हैं ये। तो आपने फ्रेंड्स अगर स्टेप्स में लाइट लगानी है तो आपने कंपनी का ध्यान रखकर लाइट लगानी है कि एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्योंकि जब लाइट सारी ऑन हो जाती है तो टर्न वाइज बंद नहीं होती, आपने देखा है वीडियो में। तो मैं यही चीज़ आपको वीडियो में दिखाना चाहता था। अगर दोस्तों ये छोटी सी जानकारी मेरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।